हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी कुर्ती कलेक्शन। एक्चुअली कुर्ती कलेक्शन के लिए इतने दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, फाइनली मैंने सोच ही लिया कि आज मेरा कुर्ती कलेक्शन आपके साथ शेयर ही कर देती हूँ, क्योंकि मैं डेली जो कुर्तीज पहनती हूँ आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है और आप लोग काफी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इसी वजह से आज फाइनली वो दिन आ गया है कि जहाँ पर मैं आपके साथ कुर्ती कलेक्शन मेरा शेयर करने वाली हूँ। और मुझे लगता है कि इतना ज्यादा तो नहीं है और काफी लोगों को बहुत ज्यादा लगेगा, काफी लोगों को बहुत कम लगेगा, बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ मेरे पास कुर्ती सेट्स है और कुछ मेरे पास कुर्तीज है, तो वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर एक एक करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी कुर्ती सेट और कुर्तीज है। तो सबसे पहला है ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आया था, एक ब्लॉग में मैंने पहना था तो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था और आप लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ की। तो इस तरह से है, व्हाइट कलर में है और इसमें ना डॉट डॉट है मरून कलर के, और इसके अंदर कुछ ऐसे डिजाइन है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा क्लोज करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से डिजाइन है इसके अंदर और ये बहुत प्यारा कुर्ता लगता है। तो ये सेट है एक्चुअली, इसपे एक चुन्नी है और इसपे ये नीचे प्लाजो है। तो इस तरह से ये सेट है और इसका प्लाजो भी काफी ज्यादा अच्छा है। और जिन जिन के लिंक मैं दे पाऊंगी आपको, तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और जिनकी नहीं दे पाऊंगी, जो मैंने ऑफलाइन परचेस किया है तो उनकी मैं दे नहीं पाऊंगी, तो उनकी आप एडजस्ट कर लेना। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से प्लाजो है और गोल्डन प्रिंट है इसपे, तो ये कुछ इस तरह से है। और इसकी जो चुन्नी है वो भी बहुत प्यारी है और बहुत लंबी है इसकी चुन्नी, तो ये कुछ इस तरह से चुन्नी है इसकी, बहुत प्यारा लगता है पहनने के बाद। और गोल्डन गोटा पट्टी लगाई है यहाँ पे और गोल्डन प्रिंट है ओवरऑल चुन्नी पे, तो ये कुछ इस तरह से है। और मैं ना जल्दी जल्दी आपको दिखाऊंगी क्योंकि बहुत सारे कुर्ते हैं और बहुत लंबा होने वाला है ये वीडियो। इन प्लाजो सेट है ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये भी आप लोगों ने देखा हुआ है व्लॉग में। और ये भी कुछ इस तरह से है, मतलब अम्ब्रेला पैटर्न है इसका और नीचे कुछ इस तरह से पॉम पॉम लगाए हुए है, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और नेक भी कुछ इस तरह से है, मीशो से लिया था तो इसी वजह से इसका प्रोडक्ट कोड मैं आपको दे सकती हूँ, इसका लिंक मैं आपको दे नहीं पाऊंगी। और इसके नीचे ये प्लाजो है और एक कॉटन की चुन्नी है, ये ना बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, कॉटन का है और बहुत सुंदर लगता है। इसपे भी चुन्नी पे पॉम पॉम लगाए हुए है और चुन्नी भी बहुत ज्यादा प्यारी है, लंबी सी चुन्नी है और कलर भी बहुत ज्यादा प्यारा है। तो ये कुछ इस तरह से है, ये सेकेंड मेरा सेट है। और थर्ड सेट ये है, ये भी मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है कुर्ता प्लाजो सेट। और ये उल्टे किए हुए हैं कुछ ना, ऐसे कि धोखे में रखती हूँ और उसके बाद फिर वो जब पहनती हूँ उस टाइम आइनिंग वगैरह करके पहनती हूँ ना, तो इसी वजह से ये ऐसे ही रखे हुए रहते हैं। और कुछ कुछ कुर्तीज में आपको थोड़ा से सिलवटे भी पड़ी हुई दिखेगी, बट मैं वो आइनिंग करके पहनती हूँ ना उस टाइम, तो इसी वजह से वो वैसे दिखती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये कुर्ता है, ब्लू कलर में है और डार्क ब्लू कलर में। और आप लोग बोल रहे थे कि आपके वो डार्क ब्लू कलर बहुत ज्यादा पसंद है क्या, ज्यादातर ना मैं कुर्ती जब ऑनलाइन देखती हूँ या लेने के लिए जाती हूँ ना, तो मुझे डार्क ब्लू कलर ही पसंद आता है उनमें और मैं वही ले लेती हूँ, तो इसी वजह से डार्क ब्लू कलर के कलेक्शन मेरे पास बहुत ज्यादा है कुर्तीज के। तो इस तरह से 3/4 स्लीव्स है इसकी और आगे इस तरह से फ्रंट में डिजाइन है, तो ये थ्रेड वर्क है, इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वर्क, तो थ्रेड वर्क है, गोल्डन थ्रेड वर्क। तो ये प्रिंट नहीं है इसी वजह से जाएगी नहीं, और ये भी थ्रेड वर्क है तो इसीलिए ये कुर्ता मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये प्रिंट नहीं है और थ्रेड वर्क कभी जाता नहीं है। तो इसपे भी गोटा पट्टी लगाई है, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है ये वाला कुर्ता भी, नीचे तक इस तरह से है और साइड में भी गोटा पट्टी है और नीचे भी गोटा पट्टी है। तो ये कुर्ता इस तरह से है और प्लाजो कुछ इस तरह से इसका। इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आया तो ये वीडियो, तो क्योंकि मुझे इतने सारे जो कपड़े हैं वो फोल्ड करने पड़ेंगे अभी इसके बाद। तो चलिए फिर, ये जो प्लाजो है इसका कुछ इस तरह से है, नीचे ये थ्रेड वर्क किया हुआ है और इसका प्लाजो कुछ इस तरह से है, मुझे ये भी बहुत ज्यादा पसंद है कुर्ता। और ये सेट है एक्चुअली। थर्ड जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, ये कुर्ता भी बहुत प्यारा है लगता है और आपको बहुत ज्यादा पसंद आया था जब मैंने एक ब्लॉग में पहना था इसे। ये भी उल्टा ही है, इसको माइंड मत करना, मैं सारे ऐसे उल्टे करके फोल्ड करके रख देती हूँ। तो इस तरह से ये, और इसका बोट नेक टाइप का नेक है, मतलब पैक नेक है, और इसकी जो स्लीव्स है वो यहाँ तक आती है, बहुत सुंदर लगता है ये भी पहनने के बाद। आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था ये। और इस पे ना लटकन लगाया हुआ है ऐसे यहाँ पर कट पे, बहुत सुंदर लगता है यार ये कुर्ता पहनने के बाद, मेरा फेवरेट में से ये कुर्ता है ये। और इसका जो नीचे प्लाजो है वो भी बहुत प्यारा है, तो इसका जो प्लाजो है वो कुछ इस तरह से है और यहाँ पर भी ये लटकन लगाया है, मतलब कट से दिखते हैं ये वाले, बहुत सुंदर लगता है ये। और ब्लैक तो मेरा फेवरेट है ही। और इसकी जो चुन्नी है वो कुछ इस तरह से है, बहुत प्यारी चुन्नी है इसकी भी, मटेरियल भी बहुत प्यारा है और प्रिंट भी ओवरऑल
रेड कलर की चुन्नी है, बहुत ज्यादा सुंदर लगती है कुछ इस तरह से है। तो ये है थर्ड कुर्ता, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये कुर्ता, ये भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, ये कुर्ता भी बहुत प्यारा है। तो ये कुछ इस तरह से है, अनारकली कुर्ता है और 3/4 स्लीव्स है इसकी। यहाँ पर इसको इस तरह से बटन लगाई है, नेक कुछ इस तरह से है इसका, और इसका जो घेरा है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, घेरा भी काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके नीचे कोई प्लाजो वगैरह नहीं आया है, इस पे सिर्फ चुन्नी आई है, इसकी चुन्नी भी बहुत ज्यादा प्यारी है। ओवरऑल प्रिंट कुछ इस तरह से है चुन्नी का, और बहुत प्यारी लगती है चुन्नी भी, पहनने के बाद आप देख ही सकते हो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। और इस पे गोटा पट्टी लगाई हुई है, तो ये भी बहुत सुंदर है। तो ये कुछ इस तरह से है। फिर आते हैं ये वाले कुर्ते पे, मैं पीछे ऐसे फेंकती जा रही हूँ तो उसे माइंड मत करना प्लीज। तो इस तरह से ये कुर्ता है, 3/4 स्लीव्स है, 3/4 नहीं है, ये यहाँ तक आती है ये स्लीव्स, और ये बोट नेक टाइप का नेक है इसका, और ये ऊपर है, नीचे कुछ नहीं है, नीचे सिर्फ प्लेन कुर्ता है, और इसका मटेरियल मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसी वजह से ये ऊपर का जो है वो कॉटन है, और नीचे का ये सिंथेटिक है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इजीली आप वॉश कर सकते हो इसे। तो ये कुर्ता भी ब्लू कलर में है, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ये भी मेरे हाथों में जो जो आ रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये कुर्ता कुछ इस तरह से है। मेरे पास जो कुर्तीज है सारी वो 300 से लेके आप देखोगे तो 1000 तक, 1000 के ऊपर एक ही कुर्ता है, वो मैं बाद में दिखा दूंगी आपको, 2000 का है, बट सारे कुर्ते 1000 के अंडर ही है, 1000 तक है, और 300 से लेके 1000 तक। तो ये भी कुर्ता कुछ इस तरह से है, ये यहाँ पर पता नहीं क्या लग गया है। तो ये बोटनेक है, बहुत ज्यादा सुंदर है, स्लीवलेस है, इसमें स्लीव्स अटैच नहीं आती है। अगर आप स्लीवलेस पहनना पसंद करते हो तो ये आप ले सकते हो, और इस पे वन साइड ये फॉइल प्रिंट दी है तो बहुत सुंदर लगती है, बट ये फॉइल प्रिंट कुछ दिनों के बाद जाएगी, इस तरह से ये फेड हो रही है थोड़ी सी, बट काफी दिनों से मैं इसे यूज कर रही हूँ उसके बाद ये फेड हो रही है। तो ये कुछ इस तरह से है। फिर है नेक्स्ट ये कुर्ता, ये कुर्ता ब्लैक कलर में है, और ये भी मेरा फेवरेट कुर्ता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये, मैंने बहुत बार इस कुर्ते की तारीफ की है, बट इसकी भी प्रिंट जाती है, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जाती है, क्योंकि मैं इसे बहुत कम पहनती हूँ, इसीलिए मेरी ये प्रिंट नहीं गई है, क्योंकि मैंने चाहती कि आपके जो पैसा है वो वेस्ट जाए। अगर आपको लगता है कि एक दो बार पहनने से इसका पैसा वसूल हो जाएगा तो आप ले सकते हो, अगर जिनको लगता है कि यार इतने पैसे वेस्ट क्यों करें इसमें, और जिनको लगता है कि लेना नहीं चाहिए, तो वो आप दे सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके पैसे वेस्ट जाए, इसी वजह से मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ कि जो प्रिंट है वो थोड़ी सी फेड हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। तो कुछ इस तरह से है ये कुर्ता, और ये जो ब्रांड है वो विशुद्ध ब्रांड से है ये कुर्ता, बहुत अच्छा लगता है ये मुझे, और बहुत प्यारा है, पहनने के बाद तो बहुत अच्छा लुक देता है। तो ये कुर्ता है, और नेक्स्ट कुर्ता है ब्लैक कलर में ही है, तो ये कुर्ता भी आप लोगों को बहुत पसंद आया था। ये कुछ इस तरह से है, इसके पीछे कुछ इस तरह से डोरी लगी हुई है, मतलब बांधने के लिए, और ये है कोल्ड शोल्डर कुर्ता, ये आपने मुझे पहने हुए देखा हुआ है ब्लॉग में। तो ये कुछ इस तरह से है, पूरा कॉटन का है, और नीचे ओवरऑल प्रिंट कुछ इस तरह से है कुर्ते में। नेक्स्ट कुर्ता है ये अम्ब्रेला कुर्ता है, और ये भी बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, आप देख सकते हो, इस पे भी गोल्डन प्रिंट है, और इसकी स्लीव्स भी 3/4 स्लीव्स है, काफी ज्यादा अच्छी लगती है, और कुर्ता आप देख सकते हो इसकी ओवरऑल प्रिंट कुछ इस तरह से है, घेर भी काफी ज्यादा अच्छा है इसका, और पीछे से मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरह से है ये, और यहाँ पर बटन्स टाइप है, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से डिजाइन दी है, तो ये भी बहुत प्यारी लगती है। तो ये कुर्ता है नेक्स्ट। फिर है ये कुर्ता, ये भी ब्लैक कलर में ही है, ये मैंने मिंत्रा से लिया था, ऑनलाइन परचेस किया था, बट इसकी प्रिंट नहीं गई यार, बहुत अच्छी प्रिंट है इसकी भी, और मुझे ये भी काफी ज्यादा पसंद है कुर्ता, ये भी आपने ब्लॉग में देख ही लिया है, और इसकी प्रिंट कुछ इस तरह से है नीचे से, और इसका नेक जो है वो बोट नेक है, बहुत प्यारा लगता है ये पहनने के बाद, और ट्रांसपेरेंट स्लीव्स है इस तरह से, और 3/4 स्लीव्स है। तो ये भी कुर्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने ऑनलाइन लिया था, इसकी लिंक मैं आपको दे पाऊंगी, बहुत प्यारा कुर्ता है। इसके नीचे आप प्लाजो पहन सकते हो, इसके नीचे आप एंकल लेंथ लेगिंग पहन सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा ये। और वैसे भी आपने वो पहने हुए मुझे देख ही लिया है, तो आपको पता ही है कि मेरे ऊपर कैसे दिखता है। और नेक्स्ट कुर्ता है ये भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जॉर्जेट का है, एक्चुअली मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है इस कुर्ते में, जॉर्जेट का है, और इसकी स्लीव्स बहुत यूनिक है,
इस तरह से है इसकी स्लीव और इसका जो नेक है कुछ इस तरह से है, नेक पे ही काफी ज्यादा अच्छी डिजाइन दी है। और कुर्ता ये जो है कुछ इस तरह से प्लेन है और नीचे ब्लू कलर दिया है, जिस कलर की पाइपिंग और नेक दिया है उसी कलर का नीचे ये पट्टी लगाई हुई है इस तरह से, और पीच कलर का कुर्ता है। बट जॉर्जेट इसी वजह से बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, इजीली आप वॉश कर सकते हो, मशीन वॉश भी कर सकते हो, हैंड वॉश भी कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। इसी वजह से मुझे लाइट कलर है फिर भी इतना नहीं लगता है। फिर ये है एक कुर्ता, ये भी बहुत ज्यादा आपको पसंद आया था, पिंक कलर में है। इसकी भी स्लीव जो है वो 3/4 स्लीव है, 3/4 से ज्यादा ये यहाँ तक आती है इसकी स्लीव। एक्चुअली ये ना मैंने बड़ी साइज ली थी इसी वजह से मुझे यहाँ तक आती है। ये जो कुर्तीज ली थी मैंने, ये वाली जो मैंने पहनी है अभी, ये भी बहुत लूज है, आप देख सकते हो स्लीव बहुत ज्यादा लूज है इसकी भी। तो ये मैंने प्रेगनेंसी के टाइम ली थी तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा लूज है, और इस पे मैंने ज्यादा सिलाई नहीं की है, सिर्फ यहाँ पर सिलाई की है, तो ये इसमें भी ऐसी ही सिलाई की है यहाँ पर, तो इसीलिए ये लूज बहुत ज्यादा है, तो ऐसे ही दिखेगी ये। और ज्यादा मुझे लूज कपड़े पसंद नहीं आते हैं, आपने देखा होगा कि मेरे जो कुर्तीज होती है वो फिटिंग की होती है सारी, और फिटिंग की पहननी भी चाहिए। अगर आप फिटिंग की पहनते हो तो आपको पता चलता है कि आप मोटे हो गए या पतले हो रहे हो, तो ये आपको पता चलता है। अगर आप ऑलरेडी लूज पहनते हो तो उसमें आप मोटे भी हो जाओगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए फिटिंग की ही पहननी चाहिए कभी भी। तो ये कुर्ती कुछ इस तरह से है, इसके जो बैक नेक है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था जब मैंने ली थी ये कुर्ती, तो ये बैक नेक कुछ इस तरह से इसका, और नीचे इस तरह से बैक पे है, और फ्रंट में कुछ नीचे इस तरह से डिजाइन है। ये कुर्ता बहुत ज्यादा अच्छा लगता है पहनने के बाद, आपने देखा ही है व्लॉग में। तो ये कुछ इस तरह से कुर्ता है, इस पे भी आप लेगिन और प्लाजो पहन सकते हो, ज्यादातर लेगिन आप इस पे पहनोगे ना बहुत सुंदर लगेगा। कुर्ता है ये येलो कलर का है, ये जो कुर्ता है वो जो मैंने ब्लैक दिखाया था उसी टाइप का ये कुर्ता है। इसकी जो स्लीव्स है वो है कोल्ड शोल्डर स्लीव्स, इसके भी बैक पे इस तरह से बांधने के लिए है, और प्रिंट कुछ उसी तरह से है, मतलब सेम कुर्ता है, वो ब्लैक जो दिखाया था मैंने सेम कुर्ता है बट येलो कलर में है। तो ये भी मैंने ऑनलाइन लिया था, मिंत्रा से लिया था, मैं मिंत्रा से बहुत ज्यादा कपड़े परचेस करती थी पहले, बट अभी मैं कहीं से भी ले लेती हूँ, इसी वजह से इतना मतलब वो नहीं है, अभी मैं कुर्ती कहीं से भी ले लेती हूँ। बट पहले ना मेरा ऐसा था कि मैं मिंत्रा से ही परचेस करती थी कुर्ती, और मेरे सारी कुर्तीज मिंत्रा से ही थी, तो वो मैंने यूज करके फेंक भी दी सारी कुर्तीज, बट अभी कुछ उसमें से बची है तो वो मैं अभी यूज कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी विशुद्ध ब्रांड से है, और इसकी जो प्रिंट है आप देख सकते हो, ये जब नया था तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, बहुत लोगों के पास होगा भी, और इसी तरह से इसकी प्रिंट जाती है, तो मुझे उस टाइम नहीं पता था कि इसकी प्रिंट जाती है, तो मैंने परचेस कर लिया था और मैंने रिटर्न भी नहीं किया था। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था ये वाला कुर्ता, और मैंने ज्यादा पहना भी नहीं है इसे, फिर भी इसकी प्रिंट बहुत जल्दी गई है, तो ये कुर्ता परचेस करने से कोई फायदा नहीं है, आप देख सकते हो। अगर आपको एक दो बार पहनना है और फिर आपको लगता है कि इसका पैसा वसूल हो जाएगा तो ये कुर्ता आप ले सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है, बट इसकी प्रिंट जाएगी, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। टील कलर का है, टील ब्लू कलर का, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। नेक्स्ट होता है ये, ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये मेरे फेवरेट में से कुर्ता है ये, और आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आया था, एक ब्लॉग में मैंने पहना था तब। तो ये कुछ इस तरह से कुर्ता है, कोल्ड शोल्डर स्लीव्स है इसकी, ये बहुत प्यारा लगता है यार पहनने के बाद, और ये कुछ इस तरह से घेरे वाला है, मतलब अम्ब्रेला कुर्ता है ये, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है ये पहनने के बाद। यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी दी है व्हाइट कलर में, व्हाइट थ्रेड में एम्ब्रॉयडरी दी है, और एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ज्यादा प्यारी है, बहुत फाइन एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो ये कुछ इस तरह से कुर्ता है, यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी दी है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, ये भी व्हाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी है और स्काई ब्लू कलर का पूरा कुर्ता है, और ये जो मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा थिक मटेरियल है, आप पछताओगे नहीं ये वाले कुर्ता लेने के बाद। बहुत सारे है यार, अभी भी इतने सारे दिखा दिए फिर भी अभी भी बहुत सारे कुर्तीज है। मैं तो थक गई हूँ बात करते करते बोल बोल के। तो नेक्स्ट है ये, तो ये कुछ इस तरह से पिस्ता ग्रीन कलर का कुर्ता है, और ये ना रेयॉन का कुर्ता है, मतलब इसके ऊपर अगर आयनिंग होती तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये, अभी आयनिंग नहीं है इसी वजह से इसका कलर ऐसा दिख रहा है, बट ये भी पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है कुर्ता, और यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की है इस तरह से पिंक थ्रेड से, और ये भी बहुत प्यारा लगता है, अम्ब्रेला कुर्ता है और इसका भी घेर बहुत ज्यादा है। तो ये मैंने ऑफलाइन लिया था, इसकी वजह से मैं इसका लिंक नहीं दे पाऊंगी आपको, बट ये मैंने दिखा दिया आपको सिर्फ इस तरह से है ये कुर्ता। फिर है ये ग्रे कलर का कुर्ता, ये भी स्लीवलेस है, और इसका भी जो मटेरियल है वो है कॉटन का, यहाँ पर पूरी नीचे तक इसकी बटन दी हुई है और यहाँ पर कट दिया हुआ है आगे, और इसका जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है, पीछे से लंबा है
और आगे से छोटा है, आप देख सकते हो आगे से छोटा है और आगे कट है। ये मैंने ऑनलाइन लिया था, ये भी मिंत्रा से लिया हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से कॉलर का है, ये भी अच्छा लगता है वैसे, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बट जिनको इस टाइप का पैटर्न का पसंद नहीं है तो उनके लिए अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। फिर नेक्स्ट आते हैं, ये भी टील ब्लू कलर का कुर्ता है और ये भी आप लोगों को बहुत पसंद आता है ब्लॉग में मैं पहनती हूँ। तो ये भी मैंने ऑनलाइन लिया था और इसकी भी प्राइस बहुत कम है, इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं है, 400 तक होगी, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कुर्ता। और यहाँ पर गोल्डन प्रिंट है, ये प्रिंट भी काफ़ी दिनों के बाद जाएगी बट इतनी जल्दी नहीं जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ पर फेड हो रही है थोड़ी थोड़ी, काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ मैं इस कुर्ते को, उसके बाद जा रही है ये प्रिंट। और इसका भी जो पैटर्न है वो थोड़ा सा यूनिक है, यहाँ पर कट है और पीछे से ये पूरा पैक है, मतलब अम्ब्रेला टाइप का ही है ये कुर्ता, क्या बोलते हैं ए लाइन का कुर्ता है ये। फिर है ये कुर्ता, ये मैंने ऑफलाइन लिया था, ये भी बहुत अच्छा है, जॉर्जेट का है और इसका भी मेंटेनेंस बिल्कुल कम है, इसी वजह से ये मुझे कुर्ते बहुत पसंद आता है। जॉर्जेट का है इसीलिए मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है इसका, और पूरी एम्ब्रॉयडरी है इस पर, आप देख सकते हो पैच वर्क है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये भी कुर्ता। और कुछ इस तरह से है ओवरऑल कुर्ता, और ये कलर क्या बोलते हैं, कौन सा कलर है मुझे नहीं पता, आप बताना कमेंट करके। ये कॉटन का है और एक टाइम ऐसा था कि ये कुर्ता मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, बहुत सूट करता था ये कुर्ता मुझ पर और अभी भी सूट करता है एक्चुअली, बट उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा पतली थी तो ये कुर्ता मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, बहुत अच्छा दिखता था मुझ पर। तो ये कुर्ता कुछ इस तरह से कॉटन का है और कुछ इस तरह से पीछे से है, ग्रे कलर का है और पैरट कलर का ये आगे से है, बहुत सुंदर लगता है ये कुर्ता कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट कुर्ता ये है, ये बहुत कम प्राइस का है, 250 के 300 रुपए का है ये, और घर पे पहनने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं ये ऐसे वाले कुर्ते, जो सिंथेटिक है और मेंटेनेंस बहुत कम रहता है, हैंड वॉश भी कर सकते हो, मशीन वॉश भी कर सकते हो इसे, और इजीली मतलब कैरी कर सकते हो आप इसे, इस टाइप के कुर्ते हैं, मतलब इसे क्या बोलते हैं, क्रेप मटेरियल बोलते हैं इसे। तो ये कुर्ते एक तो सस्ते भी होते हैं और आप इजीली इसे कैरी कर सकते हो और इजीली आप इसे वॉश भी कर सकते हो, तो इसीलिए इसका जो पेयर है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आई थिंक ये 300 या 350 रुपये का एक कुर्ता है, इसका पेयर था ये कुर्ता है, पेयर में आया था ये दो कुर्ते। अगर आप घर पे पहनना चाहते हो ऐसे वाले कुर्ते तो आप ले सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से एक कुर्ता है और नेक्स्ट ये कुर्ता है इस तरह से, ये दोनों का पेयर था, तो ये पेयर में मैंने लिया था, ये 600 या 650 का पेयर था। फिर है ये कुर्ता, ऑरेंज कलर का है और बहुत ज़्यादा डार्क ऑरेंज कलर है यार, इसी वजह से मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ इसे, जब लिया था तो इतना मतलब लगा नहीं था, बट उसके बाद ना जब मैं पहनने लगी तो बहुत ज़्यादा डार्क दिखता है, तो इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। कुछ इस तरह से ये कुर्ता नीचे से कुछ इस तरह से है और रेयन मटेरियल है और इसका जो नेक है वो पैक नेक है, तो ये ओवरऑल कुर्ता कुछ इस तरह से है। जल्दी मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। और ये फिर नेक्स्ट कुर्ता है, ये ब्लैक कलर का कुर्ता है, ये भी मैंने ऑफलाइन लिया था और रेयन का कुर्ता है और इसकी भी स्लीव्स कुछ इस तरह से है और नेक कुछ इस तरह से है। तो ये है नेक कुर्ता। अभी मैं आपको एक सेट दिखाना चाहती हूँ जो नीचे दब गया था, तो वो ये है, ये भी मेरा बहुत फेवरेट सेट है और कलर भी मेरा बहुत फेवरेट है और मुझ पर सूट भी करता है, आप लोगों ने ही बताया है कि मुझ पर येलो कलर सूट करता है। तो ये कुछ इस तरह से इसकी स्लीव्स है और ओवरऑल कुछ इस तरह से कुर्ता है ये, और इसका जो पैंट है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, फिटिंग का पैंट आता है इसमें और कुछ इस तरह से पैंट आता है, तो ये कुर्ता भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। नेक्स्ट है ये कुर्ता, इसके ऊपर मेंटेनेंस बहुत कम है, ये भी उसी टाइप का है क्रेप मटेरियल में और इसका भी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कम है, ये भी ज़्यादा प्राइस का नहीं है, होगा 350-400 का ये कुर्ता, ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और मेंटेनेंस बहुत कम है, क्रेप मटेरियल आता है इसका। और फिर नेक्स्ट है ये कॉटन का कुर्ता है और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार, बहुत प्यारा लगता है ये कुर्ता। इस पर मैं ना ये पहनती हूँ, मेरे पास ये वाला एक वाइट कलर का चिकनकारी का ये क्या बोलते हैं पटियाला है, तो ये मैं ज़्यादातर कुर्तीज पे पहन लेती हूँ, अगर मुझे समझ में नहीं आता है कि कुर्तीज पे क्या पहनूँ तो वो मैं पहन लेती हूँ ज़्यादातर। तो ये कुर्ता बहुत प्यारा लगता है, इस पर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है पूरा,
थ्रेडवर्क है, एम्ब्रॉयडरी थ्रेडवर्क, और बहुत अच्छा लगता है। टील ब्लू कलर का है, बहुत प्यारा लगता है। ये कुर्ता भी मुझे बहुत पसंद है। फिर है ये भी मैंने मिंत्रा से लिया था। एक्चुअली ये वन पीस भी आप पहन सकते हो इसको, और इसे आप एज अ कुर्ती भी पहन सकते हो। यहाँ पर अगर बेल्ट लगाया जाए कमर पे तो आप इसे एज अ वन पीस भी पहन सकते हो। वन पीस स्टाइल में पहन लेती हूँ, कभी कुर्ती स्टाइल में पहन लेती हूँ, तो इस तरह से ये पहन लेती हूँ मैं। और यहाँ पर बटन है, तो ये कुछ इस तरह से कुर्ती है। नेक्स्ट, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जब भी मैं पहनती हूँ ये वाली कुर्ती। इसका कलर आपको बहुत प्यारा लगता है, तो ये तो आपने देख ही लिया है कैसा है कुर्ता। तो ये कुछ कुर्ता इस तरह से है। अम्ब्रेला है, और अम्ब्रेला भी बहुत ज़्यादा घेरे वाला अम्ब्रेला है ये। मतलब ये जो कुर्ता है आगे से लंबा है, साइड से थोड़ा सा ऊपर है, तो इस तरह से ये कुर्ता है। और इसके कोल्ड शोल्डर कुर्ता है ये, और इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा है, रेयॉन का मटेरियल है। नीचे ये पॉम पॉम लगाए हुए हैं, और बहुत अच्छा लगता है। ओवरऑल पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है, मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, कलर बहुत अच्छा है। ये भी मेरा फेवरेट कुर्ता है, क्योंकि मटेरियल रेयॉन का है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी। ये इस तरह से स्लीव्स है यहाँ पर बांधने के लिए है, और यहाँ पर आप देख सकते हो नेक कुछ इस तरह से है स्लीव्स। और यहाँ पर ना एक डोरी थी, तो वो मैंने डोरी निकाल दी, तो आपको ये दिख रहा होगा ना, इसमें डोरी है और बांधने के लिए, मतलब यहाँ पर फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है इसकी, तो यहाँ वो डोरी मैंने निकाल दी है। तो अम्ब्रेला कुर्ता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये भी कुर्ता। तो ये है पिस्ता कलर में। नेक्स्ट है ये कुर्ता, ये आई थिंक आपने देखा नहीं है ब्लॉग में पहने हुए हैं मुझे, तो ये कुछ इस तरह से, ये मैंने ऑफलाइन लिया था। ये कुर्ता कुछ इस तरह से है, आगे से नेक पे इस तरह से डिज़ाइन है थ्रेड वर्क की, नीचे तक है थ्रेड वर्क की डिज़ाइन, और मिरर डिज़ाइन है, आप देख सकते हो। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कुर्ता, और कॉटन का है। मेन बात तो ये है कि कॉटन का है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कॉटन पहनने में। नेक्स्ट कुर्ता है ये भी आपने देखा हुआ है ब्लॉग में, तो ये भी इसका भी मटेरियल जो है वो क्रेप मटेरियल है, और इसको भी मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है इसका भी। तो ये कुछ इस तरह से कोल्ड शोल्डर कुर्ता है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये भी। और नीचे से कुछ इस तरह से डिज़ाइन है, और ए लाइन कुर्ता है ये भी। फिर है ये कुर्ता, ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट ये ना ऐसे वॉश करने के बाद ये कुर्ते ऐसे हो जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता है, वॉश करने के बाद कुछ इस तरह से सिलवटें पड़ जाती है इस वाले कुर्ते में। इसी वजह से ये जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस वाला मटेरियल है, क्या बोलते हैं इसे, रेयॉन मटेरियल। तो रेयॉन जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस वाला मटेरियल होता है, तो इसी वजह से इसके कुर्ते बहुत ज़्यादा मतलब आइनिंग वगैरह करने पड़ते हैं आपको। तो ये कुछ कुर्ता इस तरह से है। तो ये जो कुर्ता है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये कुछ इस तरह से कॉटन का कुर्ता है, ये भी ऑनलाइन लिया था मैंने, आई थिंक फ्लिपकार्ट से लिया था। तो इसका भी लिंक अगर चाहिए हो तो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ट्रिपल स्लीव्स है, सिंपल है, बट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये वाले कुर्ते पहनने में। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है ना कलर, इसको पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो कुर्ता है मैंने इतनी बार पहना हुआ है कि आपको क्या बताऊँ, मतलब फिर भी ये ख़राब नहीं हो रहा है। तो आप सोच सकते हो इस कुर्ते का मटेरियल कैसा होगा, इतनी बार पहना हुआ है मैंने ये कुर्ता कि आप मतलब सोचोगे भी नहीं, इतना यूज़ किया हुआ है मैंने ये वाला कुर्ता। तो बहुत ज़्यादा प्यारा है ये कुर्ता भी, और मेरा फेवरेट कुर्ता था ये भी। इस पर आप अगर एंकल लेंथ लेगिंग पहनते हो ना, तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है ये कुर्ता। और नेक्स्ट कुर्ता है ये मैंने ऐसे ही लोकल मार्केट से लिए थे, तो इसीलिए ये मैं उस पर पहन लेती हूँ, जो मैंने वाइट कलर का आपको पटियाला दिखाया है उस पर पहन लेती हूँ ये वाले कुर्ते में। तो ये कुछ इस तरह से कुर्ता है, और इस पर भी थोड़ा सा आपको आइनिंग करनी पड़ेगी, कॉटन का है, तो ये वॉश करने के बाद इस तरह से दिखता है। कलर बहुत प्यारा है इसका भी, और ये भी मैंने ऑनलाइन लिया था, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ब्लैक कलर में है, तो ब्लैक कलर तो मेरा फेवरेट है ही, और ब्लैक कलर मेरा ही नहीं बहुत लोगों का फेवरेट होगा यार। अगर आप मेरी तरह ब्लैक लवर हो, और अगर आपको ब्लैक कलर का कुछ चीज़ दिख जाए सामने, तो आप दूसरी चीज़ छोड़ दोगे और ब्लैक कलर का ही ले लोगे, तो वैसा ही मेरा है। और इस तरह से ये कुर्ता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये भी पहनने के बाद। और इसकी स्लीव्स कुछ इस तरह से थोड़ी सी यूनिक है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार पहनने के बाद, और एकदम स्लिम लुक आता है इससे। इसी वजह से ये ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रेयॉन का मटेरियल है इसका भी,
और ये मैंने सिलवाया था कुर्ता, बट ये मैंने पहना नहीं, काफी कम पहना है। तो ये कुछ इस तरह से इसका जो क्या बोलते हैं मटेरियल कुछ इस तरह से है। ये मैंने सिलवाया था कुर्ता, तो ये इतना कुछ खास नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। और कुछ कुर्तीज रह गए होंगे तो वो यहाँ पर नहीं थे इस कबर्ड में, तो जो इस कबर्ड में थे तो वो मैंने आपको दिखा दिए, बट अगर रह गए होंगे तो मुझे नहीं पता है। अभी मुझे याद भी नहीं है कि कौन से कुर्तीज थे मेरे पास और कौन से कुर्तीज मैं दिखा रही हूँ आपको। और नेक्स्ट कुर्ता है ये, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था, ये भी बहुत पुराना है, मैं ये बहुत बार पहन चुकी हूँ कुर्ता। इसका जो मटेरियल है वो है जॉर्जेट, इसी वजह से मैं पहले ना जॉर्जेट मटेरियल के ज़्यादा लेती थी, और मुझे ना इजी टू मेंटेनेंस चाहिए। इसमें मेंटेनेंस में ना बहुत ज़्यादा वो हूँ कि आलसी हूँ, मतलब मुझे ना ऐसी कुर्ती चाहिए कि जिसपे आइनिंग वगैरह ना करना पड़े और मतलब वो, बट अभी रेयन के ही ज़्यादा चल रहे हैं तो मुझे रेयन के लेने पड़ रहे हैं। मतलब अभी दूसरा मटेरियल दिख ही नहीं रहा है कुर्तीज़ में, तो अभी इसी वजह से मुझे रेयन के लेने पड़ रहा है। तो मैं पहले जॉर्जेट या शिफॉन के ही लेती थी कुर्तीज और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, उसका मेंटेनेंस बहुत कम रहता था, इसी वजह से मैं जॉर्जेट और शिफॉन के ही लेती थी। तो ये उस टाइम का है कुर्ता और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कुर्ता। ये कुछ इस तरह है, पिंक कलर का कुर्ता है और ब्लू कलर का थ्रेड वर्क किया हुआ है इस पर। लास्ट और सबसे प्यारा कुर्ता और सबसे फेवरेट कुर्ता मेरा ये है। ये जो कुर्ता है वो मैंने लिया था रिलायंस ट्रेंड से और इसपे सिर्फ दुपट्टा आया हुआ है इस कलर का, गोल्डन कलर का। इसपे लेगिन वगैरह कुछ नहीं है या प्लाजो वगैरह कुछ नहीं है, इस तरह से एक दुपट्टा आया था और सिर्फ ये कुर्ता आया था। बट इसका जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है और कुछ इस तरह से कुर्ता है और पहनने के बाद भी बहुत अच्छा दिखता है। तो इस कुर्ते को आपने बहुत बार पहने हुए मुझे देख ही लिया है, तो कुछ इस तरह से ये ए लाइन कुर्ता है, अम्ब्रेला पैटर्न ही बोल सकते हो आप इसे, और ये 2000 का था कुर्ता, तो ये सबसे महंगा है मेरे पास कुर्ता और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाकी जो सारे कुर्ते हैं वो 1000 के अंडर ही है, मतलब सेट भी 1000 के अंडर ही है, बट यही कुर्ता मेरे पास जो है वो सबसे महंगा है, मतलब 2000 का है, बाकी सारे कुर्ते 1000 के अंडर ही है। तो ये हो गया मेरा कुर्ता कलेक्शन और आई होप आपको अच्छा लगा हो। बहुत ज़्यादा थक गई हुई यार बातें करते करते, बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत मेहनत लगी है और अभी इसके बाद भी मेहनत लगने वाली है फोल्ड करने में। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको पसंद भी नहीं आता है तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। तो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।